अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटे? बेटे कंग्रेचुलेशंस टू यू टू एंटर इन दी 10th क्लास। आई एम एमनम। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो हो रही हैं, तो उसकी बेसिस पर बेटे हम 10th के लेक्चर्स जो हैं वो आज से स्टार्ट करेंगे। लेकिन रेगुलर लेक्चर्स से पहले मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पेपर पैटर्न और मार्किंग जो स्कीम है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। बेटे ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर ड्रा किया गया है जिसके अंदर दिखाया गया है कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने MCQs शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो जो आपके 10th क्लास के सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो यूनिट नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें से एक MCQs बनेगा, दो शॉर्ट क्वेश्चन और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। यूनिट नंबर 11 को अगर हम देखते हैं, एक MCQs, तीन उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट आएगा। यूनिट नंबर 12, दो MCQs, तीन शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। इसी तरह से 13 में से एक MCQs, टू शॉर्ट क्वेश्चन और वन लॉन्ग क्वेश्चन। 14 में से टू MCQs, थ्री शॉर्ट क्वेश्चन और वन लॉन्ग। यूनिट नंबर 15 की तरफ चलते हैं, तो जिसमें से टू शॉर्ट क्वेश्चन, टू MCQs होंगे, थ्री शॉर्ट क्वेश्चन और दिस चैप्टर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन टू दी एक्सटेंसिव और लॉन्ग क्वेश्चन। एंड देन यूनिट नंबर 16, इसमें से एक MCQs, दो शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। यूनिट नंबर 17 की तरफ जब चलते हैं, तो उसमें से एक MCQs, तीन शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। यूनिट नंबर 18 में से एक MCQs, तीन शॉर्ट क्वेश्चन और ये चैप्टर जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर हम थोड़ा सा पैटर्न देख लें शॉर्ट क्वेश्चन का, शॉर्ट क्वेश्चन के बेटे आपके तीन तीन पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट में 9 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उस वो इसमें जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं वो चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें से 9 क्वेश्चन होंगे, आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं, उसमें जो चैप्टर्स हैं 13, 14 एंड 15। एंड क्वेश्चन नंबर 4 हैविंग 16, 17 एंड 18। इसी तरह से हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो चैप्टर नंबर 11 और 12 इसमें होगा, 11 में से ए पार्ट और 12 में से बी पार्ट। 6 क्वेश्चन में 13 में से ए और 14 में से बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर नंबर 16 में से ए पार्ट और 17 में से जो है वो बी पार्ट। यह बेटे बोर्ड पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम, इसी के मुताबिक इंशाल्लाह आपने जो है वो अपनी प्रिपरेशन करनी है। ये मैंने आपको स्कीम इसलिए पहले बताई बेटे क्योंकि जब स्कीम हमारे सामने होती है हम और हमें पैटर्न पता होता है बोर्ड का, तो हम माइंडली प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमने किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है इस पूरे सिलेबस को कवर करने के दौरान। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल से हम एक चैप्टर जो है उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। अल्लाह हाफिज़।